आरजीकर मेट के हेड हैं और जो एसएचओ है, दोनों की कस्टडी में गई है। देखिए, आज सवाल सिर्फ इतना है कि ममता बनर्जी इस्तीफा कब देंगी, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर भी वही है, होम मिनिस्टर भी वही है, और किस प्रकार से चाहे आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल अथॉरिटीज की भूमिका रही हो सबूत मिटाने में, माता पिता को गुमराह करने में, या पुलिस का किरदार या रोल रहा हो सबूत मिटाने में, सच को दबाने में, अपराधी को बचाने में, यह आज सामने आ चुका है। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 14 घंटे डिले हुआ एफआईआर में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूडी में किस प्रकार से डिले हुआ, सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया कि क्रिमेशन को कैसे जल्दबाजी में किया गया, सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने माता पिता को झूठ बोला, माता पिता ने लगातार बताया कि पुलिस वालों ने पैसे दिया। आज सवाल यह है कि जब जवाहर सरकार इस्तीफा दे सकते हैं, वो भी बोल रहे हैं ममता बनर्जी पर कोई भरोसा नहीं बचा। ममता बनर्जी जी पहले संदीप घोष को बचाती है, अब वो कोलकाता पुलिस के कमिश्नर को बचा रही है, उनका इस्तीफा नहीं ले पा रही है, और जो प्रदर्शनकारी है, जो डॉक्टर्स है, उनकी बेसिक मांग है, उन बेसिक मांगों को भी पूरा करने में असक्षम है। उल्टा उनको कभी कसाई, कभी उनकी उंगली तोड़ने की धमकी, उनको डराने की धमकी, ये सारी चीजें की जा रही है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका वाड्रा और पूरी इंडिया अलायंस ब्रिगेड, ये इस मामले पर चुप है। ममता बनर्जी को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए और सीपी कोलकाता को भी इस्तीफा देना चाहिए।